इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन। शहनवाज जी, जिस तरीके से बुलेट ट्रेन आज उद्घाटन हो गया है अहमदाबाद में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम, और बड़ा एक ऐसा माहौल था कि देश के लिए ऐतिहासिक पल। देखिए, भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। इस दिन को लोग याद रखेंगे, मनाएंगे। बुलेट की रफ्तार से देश की तरक्की की रफ्तार को नरेंद्र भाई आगे बढ़ा रहे हैं। भारत और जापान की दोस्ती अहमदाबाद से जो बात निकली है वो दूर तलक जाएगी। पूरे दुनिया के लोग आज देख रहे हैं कि दो बड़े राष्ट्र और दो बड़े प्रधानमंत्री, दो बड़े मकबूल तरीन नेता आपस में मिल रहे हैं। ये दो नेता का मिलन नहीं है, बल्कि दो देश की जनता का मिलन है। जापान मित्र नहीं, परम मित्र है। और जिस तरह 81,000 करोड़ रुपया जापान ने दिया है बिना इंटरेस्ट के, नहीं 0.1%, और लौटाना भी है 50 साल में, ऐसा समझौता भारत का किसी देश से कभी हुआ नहीं है। सेनावा जी, विरोधी कह रहे हैं कि देश को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है बल्कि रेल नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, अगर उस ओर ध्यान दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, कांग्रेस के नेता भूल जाते हैं कि 1984 में इंदिरा जी ने मेट्रो रेल की शुरुआत की वहाँ कलकत्ता में, तो बहुत जगह ब्रॉड गेज भी नहीं था, मीटर गेज था। तो अगर कहते हम लोग कि ब्रॉड गेज तो किया नहीं, अब मेट्रो ला रहे हैं। दिल्ली में खुराना जी मेट्रो लेकर आए थे, शीला जी ने काम शुरू कराया, अरविंद केजरीवाल फीता काट रहे हैं। तो सोच तो भारतीय जनता पार्टी की, आखिर कांग्रेस की सोच ऐसी है कि वो कहती है कि बैलगाड़ी पे चलिए, बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए। जब सरकार में थे तो 10 बार बयान दिया कि विजिबिलिटी रिपोर्ट देखी जा रही है, और अभी कांग्रेस इस पर भी बयानबाजी कर रही है। क्या तरक्की पसंद नहीं है? कांग्रेस को तरक्की नहीं पसंद है। लेकिन कह रहे हैं कि गुजरात में चुनाव होने हैं और उससे पहले एक माहौल खड़ा किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर, इसको उससे जोड़ते हुए गुजरात चुनाव से देख रही है कांग्रेस, और विरोधी लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर माहौल किया गया और इवेंट बनाया गया एक बड़ा, जिसके जरिए सियासी लाभ हासिल कर रहा था। देखिए, गुजरात में अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा है। जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उसका पूरा पालन करेंगे। लेकिन कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी को देश की सेवा से रोक नहीं सकती, देश की तरक्की से में बाधा नहीं डाल सकती। कांग्रेस बुलेट ट्रेन भी लाएंगे, न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट है। 1922 में जब ये देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा तो देश तरक्की याफ्ता मुल्क होगा, विकसित राष्ट्र होगा। इस तरफ दिशा में आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी, कांग्रेस को थोड़ा समझ में देर से आएगा। धन्यवाद बात करने के लिए। और बुलेट ट्रेन जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसी रफ्तार से सियासत भी और बीजेपी वार करते हुए। कैमरामैन विद्या दबिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।